आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपका क्या है, स्प्लिटिंग मेथड, मिड टर्म को स्प्लिट करने के बाद भी 25 नहीं आएगा, क्योंकि 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 5 एंड 5। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमारा इस टाइप से होता, सपोज हमारा होता x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10x² प्लस 25, तो हम इसको स्प्लिट कर देते। ठीक है, तो हमारा आ जाता 5x² प्लस 5x² प्लस 25, तो हमारे फैक्टर्स आराम से निकल जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है, दिस इज हमारा x² प्लस 5 होल स्क्वायर, x² प्लस 5 होल स्क्वायर इज x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10x² प्लस 25। ठीक है, आप चेक करेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज माइनस 9x², तो अब हम क्या करेंगे, सेम x² प्लस 5 होल स्क्वायर को माइनस 9x² और कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको दूसरे मेथड से लिख सकते हैं, क्या है हमारा, x² प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे कौन से फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² दिस इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, a इज दिस वन, b इज दिस। ठीक है, तो हमारा क्या फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे x² प्लस 5 प्लस 3x। ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा, x² प्लस 5 माइनस 3x। तो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।